एसएसपी देसी न्यूज़। जो विधायक गया, जो मंत्री गया, उसने 35 करोड़ रुपए लिए एक व्यक्ति ने। आपका एक वोट आप अंदाजा लगा दो कि कितने लाख में बेचा उसने। क्या आप ऐसे खरीदी जो सरकार पटकने वाले जो व्यापारी है उनको आप वोट दोगे? नहीं दोगे, और देना भी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे नेता हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, कि इस समय की स्थिति यह रहती है कि सब लोग संगठित होकर कहते हैं नहीं, हम वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन मुझे यहां कहने में कोई बुराई नहीं है, मैं कहूंगा, मैं कह रहा हूं कि भैया मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा। फिर भाजपा वाले मेरे मामा को ढूंढेंगे, मेरे जीजा को ढूंढेंगे, मेरे रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, बोले कि केदार से बात करो यार, उसके वोट दिलवा हमारा। फिर वो रिश्तेदार दबाव डालते हैं, अरे नहीं नहीं काबिल रहो, एक वोट में काबिल जाओ, एक वोट दे दो, धरके दे दो। इसी प्रकार ये छल करते हैं, इनके छलावी अभी हमारे बात में चुनाव में आएंगे। अबे कोई रिश्तेदार नहीं आगे आपके, जहाँ मेरे रिश्तेदारों ने पैसा दे देंगे भेजेंगे कि जाओ कहते भिंड से, मुरैना से, दतिया से जाओ भैया, वहां ग्वालियर ग्रामीण में भाजपा हार रही है, तो अपन पहुंचो वहां। उनके रूप रख रखे, तरह तरह के रूप रखे आपको भर लाएंगे, और अनेकों प्रकार की ऐसी योजना बता देंगे आपको, आपको लगेगा अरे भाजपा तो बहुत अच्छी है, देखो कितने बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको पता होना चाहिए, स्कूल बेच दे, रेल बेच दे, बस स्टैंड बेच दे, हवाई जहाज बेच दे, नदी, पर्वत, खदान, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बेचता, सब प्राइवेट है वो अस्पताल। जो बिजली है ना, जो अभी बिजली, जो भी मेरी उम्र भाई से बात है, और जो मेरे भाई करेगा 5-6 बजे बिजली आते हैं, जो बिजली बेचते ही प्राइवेट करते ही मेरे पास आप लोगों के हजारों फोन आते हैं कि भैया डीपी रखवा दो, हमारा जी काम करवा दो। बात करूं तो जब मैं अधिकारियों को फोन लगा दो तो अधिकारी कह देगा तो एस्टीमेट बन के आओ, अब तो एस्टीमेट बन के आओ।